जिलाधिकारी सुभाष सक्सेना ने बचत भवन के सभागार कक्ष में पराली न जलाए जाने के संबंध में पत्रकार वार्ता के जरिए बताया कि किसान पराली गन्ने के अपशिष्ट को न जलाएं एवं कृषि अपशिष्टों को समुचित प्रबंधन कर कंपोस्ट खाद तैयार करें, साथ ही पराली को अपने नजदीकी निराश्रित गौशालों में उपलब्ध कराएं। पराली जलाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व NGT पूरी तरह से गंभीर है। पराली व कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की सूखी पत्ती या फसलों के डंठल इत्यादि भी न जलाएं। जनपद में 36 प्रकरणों पर तहसील स्तर से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 90,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया है। साथ ही संबंधित 4 लेखपालों को निलंबित भी किया गया है एवं 15 लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ ही 2 उपजिलाधिकारी महाराजगंज एवं सलोन से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कोई भी व्यक्ति कृषि अपशिष्ट को नहीं जलाएगा तथा कृषि अपशिष्ट जलाने पर तत्काल संबंधित थाने पर सूचना दी जाएगी एवं आर्थिक दंड विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। पराली न जलाए जाने के संबंध में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। पराली जलाए जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है, इसमें अर्थदंड और विधिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। यदि पुनरावृत्ति होती है तो उसमें कारावास का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में जो 36 प्रकरण अब तक प्रकाश में आए हैं, सभी 36 प्रकरणों में जुर्माना आरोपित करते हुए मुकदमे कायम कराए गए हैं और जिसमें जो कार्रवाई है वो प्रचलित है। इसके अतिरिक्त हमने राजस्व कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है, परंतु इसके अलावा ये बताना आवश्यक है कि पराली के अन्य उपयोग भी हैं। उसको हम लोग चारे के माध्यम से गौशालाओं में दे सकते हैं और उसका कंपोस्ट बनाकर अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पराली जलाए जाना एक हमारे लिए पर्यावरणीय संकट बन चुका है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि जो पराली के अन्य उपयोग हैं उनको वो ले संज्ञान में और हमारे कंट्रोल रूम पर संपर्क करके हमें बता दें। अगर उनके पास पराली उपलब्ध है तो हम उस पराली को लेंगे और हमारे पास जो निराश्रित गौवंश हैं उन गौशालाओं में हम उसको उपलब्ध कराएंगे। इससे उनको जलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और उसका जो पूरा खर्चा होगा हम वहन करेंगे। और अभी तक बताना आवश्यक होगा कि हमारे जनपद में 80 टन तक पराली हम लोगों ने गौशालाओं में उपलब्ध कराई है। मैम, इसके अलावा भी जो आपकी कोयला भट्टियाँ चल रही गाँव में, खुद तगड़े सुलूक रहे, धुआं रहता है, रात में लोग खांसते हैं पूरे गांव के लोग, उन पर क्या कार्रवाई होगी? जहां पर इस प्रकार के प्रकरण आएंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है वो ठीक नहीं है लोगों के लिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पूर्व में भी ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए थे जिन पर कार्रवाई की गई, आगे भी सतत नजर रखी जाएगी कि ऐसे कोई भी हम लोग काम न होने दे जिससे जन सामान्य के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़े। धन्यवाद। टूटी सड़कों